स्वामी विवेकानंद का होना सिर्फ एक व्यक्ति का होना नहीं है, बल्कि वो एक जीवन धारा का, जीवन शैली का नाम रूप है। उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा और भारत भक्ति को ही अपने जीवन का आदि और अंत मान भी लिया, जी भी लिया और जीने के लिए आज भी करोड़ों युवकों को रास्ता भी दिखा दिया। आप सभी, देश का हर युवा, और मैं विश्वास से कहता हूं, देश का हर युवा चाहे विवेकानंद को जानता हो या न जानता हो, जाने अनजाने में भी उसी संकल्प का ही हिस्सा है। वक्त बदला है, दशक बदले हैं, सदी बदल गई है, लेकिन स्वामी जी के उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जिम्मा हम पर भी है, आने वाली पीढ़ियों पर भी है। और ये काम वो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया, ये अविरत करने का काम है, निरंतर करने का काम है, युग युग तक करने का काम है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोचता हूं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इस स्थिति से युवा मन को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और मैं तो सीधा साधा मंत्र बता देता हूं, जो मैं भी कभी गुरुजनों से सीखा हूं, हम कभी अकेले नहीं है, कभी भी अकेले नहीं है। हमारे साथ एक और होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो ईश्वर का रूप होता है। हम अकेले कभी नहीं होते हैं, हमारा सृजनहार हर पल हमारे साथ ही होता है। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, भारत बदल जाए। यानी परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा, कुछ करने का जोश ही, वो जज्बा बहुत आवश्यक है। स्वामी जी तो गुलामी के उस कालखंड में 100 ऐसे युवा साथियों की तलाश कर रहे थे, लेकिन 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए तो करोड़ों ऊर्जावान युवा आज हिंदुस्तान के हर कोने में खड़े हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का खजाना भारत के पास है।